नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स एमपी बोर्ड विषय गणित। गणित में हम देख रहे हैं पेज नंबर 55 और इसी के साथ हम देखेंगे पेज नंबर 56 का सॉल्यूशन। तो हम पेज नंबर 55 की बात करते हैं। इस पे हमें दिया है कार्य पत्रक 2 और पहला प्रश्न बताया है दिए गए बिंदुओं को रूलर की सहायता से मिलाइए व रेखाखंडों को मापिए। ये जो हमें बिंदु दिए गए हैं इनको रूलर मतलब स्केल की सहायता से आपको मिलाना है और फिर आपको ये भी बताना है कि ये कितने सेंटीमीटर के हैं। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ से इसको मिला देते हैं। जैसे ये 0 1 यहाँ से, ठीक है, ये स्टेप से, तो इनको हम मिला देते हैं। अब अगर हम बात करें इनकी कितनी है ये, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं इसको, देखो ये यहाँ तक आ रहा है, 5 के बाद भी 1 जा रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5.1 सेंटीमीटर। कितना हो रहा है, 5.1 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से अगर सेकंड को मिलाते हैं तो कुछ इस प्रकार आपको मिलाना है, ठीक है, यहाँ से ये भी 1 जा रहा है आपके, ठीक है। अगर हम यहाँ लाइन की बात करें, जैसे अगर हम यहाँ से इसकी बात करते हैं, एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। तो आप इस टाइप से मिलाना इसको, थोड़ा सावधानी पूर्वक। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं यहाँ से, अगर हम पूरे बिंदु की बात करेंगे तो पूरा बिंदु अगर यहाँ तक हम लेते हैं तो 7.2 तक जा रहा है, ठीक है। और अगर हम खाली सिर्फ लाइन्स यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम क्या देखते हैं कि पूरे बिंदु तक हम लेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 1 से 7.2 सेंटीमीटर तक। क्या लिखेंगे, 7.2 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो ये 7.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आगे हमको दिया है दी गई लंबाई के रेखाखंड खींचिए। पहला है 7.5 सेंटीमीटर, तो आपको 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाना है। तो सिंपल सी बात है, 7 के बाद जो एक लाइन बीच में होती है 8 और 7 के बीच, वहाँ तक आपको जाना है। तो ये आपके 7.5 का सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हो गया। आपको आप नाम दे सकते हो इसको ए और बी, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो 8.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड चाहिए, तो यहाँ पे 8.5 सेंटीमीटर का ले लेंगे। 8.5 मतलब 8 के बाद 5 तक और चलना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस टाइप से। कितना हो जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर। 7.2 सेंटीमीटर, तो पहले हम कितना चलेंगे, तो पहले चलेंगे हम 7, ये 7 यहाँ तक, ठीक है। कहाँ से, ये जो सेंटीमीटर का रहता है ना जीरो वाला, यहाँ से हमको चलना है 7। 7 के बाद 2 सेंटीमीटर है, तो छोटी छोटी दो लाइनें और आपको लेनी है, एक पे एक और एक ये 2, ठीक है, यहाँ तक। तो ये हो जाएगा आपकी, तो ध्यान रखना है एक ही लाइन में मिलाना है इसको। इनको नाम दे सकते हैं आप, जैसे इसको मैंने PQ दे दिया, इसको RS दे दिया, ठीक है। ये 0.9 सेंटीमीटर की है आपके, कितनी है, 0.9 सेंटीमीटर। तो 0.9 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि यहाँ से 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 सेंटीमीटर यहाँ कंप्लीट होता है, तो 1 से 1 कम करना है हमको, यहाँ तक लेना है, ठीक है। सिर्फ इतना आएगा ये इसको बोलते हैं 0.9 सेंटीमीटर, और इसको भी नाम दे देंगे AB। क्या नाम दे देंगे, AB। इसके बाद अगला देख लेते हैं हम, यहाँ हमें दिया है 7.3 सेंटीमीटर, मतलब 0 से 7 तक तो चलना है, 7 के बाद 3 डंडे और देखने छोटे छोटे, 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको 0 तक जाना है ये बस, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 7.3 सेंटीमीटर और इसको भी हम नाम दे देते हैं AB। क्या नाम दे देते हैं, AB। तो इस प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो में क्लियर नज़र नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये स्केल है। जैसे यहाँ पे आपको दिया है ये 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस टाइप से सेंटीमीटर दिया है। अब अगर इसे पॉइंट में आता है, जैसे 8.5 है, तो जैसे 1 सेंटीमीटर की बात करें तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 होता है ना, तो यहाँ तक आपको लेना होता है, ठीक है। इस टाइप से आप मैच कर सकते हैं, ठीक है गाइस। इसमें 19-20 चल सकता है, क्योंकि कोई यहाँ से मेज़र करेगा तो कोई यहाँ से मेज़र करेगा, ठीक है, इस टाइप से। बिल्कुल डोंट वरी हो जाना आप। इसके बाद हम देखते हैं तो दिए गए कोणों को मापिए। यहाँ पे कुछ एंगल्स आपको दिए गए हैं, इन एंगल्स की मेज़रमेंट आपको लिखनी है यहाँ पे। तो देखो, कोणों को नापने के लिए जो बिंदु होता है उसको यहाँ लेते हैं और आधार को इस लाइन पे लेते हैं, ठीक है। तो ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये आपके आधार और ये इस टाइप से। देखो कितने डिग्री पे आ रहा है, 90 डिग्री पे इसकी लाइन मैच हो रही है, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसके बाद हमें दिया है पेज नंबर 56 का सॉल्यूशन देखना है। तो पेज नंबर 56 देख लेते हैं यहाँ पे। पेज नंबर 56 पे भी एंगल को मेज़रमेंट करना है, तो बिल्कुल करेंगे।
इस जो आपका चांदा है इसको कुछ इस प्रकार आपको रख देना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो एंगल है ये हमारा कहाँ जा रहा है, ठीक है। इस टाइप से इसको सेट कर लीजिए यहाँ से। अब देखो ये कहाँ जा रहा है, तो ये है 30 और ये है 40, 30 और 40 के बीच में बिल्कुल यहाँ जा रहा है, मतलब 35 बन रहा है। कितना बन रहा है, 35 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे 35 डिग्री, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, तो अगला हम मेज़र करेंगे यहीं से रख के इस टाइप से। तो ये वाला जो एंगल है ये वाला भी कितना जा रहा है आपके, 35 जा रहा है। अगेन कितना जा रहा है, 35 ही जा रहा है। तो फिर से इसको लिख देंगे 35। इसके बाद हमें बहुत सारे एंगल एक साथ दे दिए गए हैं और इनको भी मेज़रमेंट करनी है। तो सबसे पहला एंगल है ए ओ सी, तो ये ए ओ और सी मतलब कि ये वाला एंगल हमें मेजर करना है। तो हम यहाँ रखेंगे प्रोटेक्टर को, इस लाइन को मिलाएंगे बेस लाइन, इसकी आधार लाइन को, ये वाली लाइन, और ये हम देखते हैं कहाँ जा रही है, ठीक है। तो इस लाइन को हमको देखना है। तो देखो यहाँ पे तो 180, 170, 160 दिया हुआ है, लेकिन हमको ये नहीं लेना है, हमको लेना है 0 से 10, 20, 30, 40 और 50। 40 और 50 के बीच में आ रहा है, तो ये 45 एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं 45 डिग्री। तो यहाँ पे भी आपको लिखना है 45 डिग्री, ठीक है। फिर हमको सेकेंड लेना है सी ओ एफ, तो ये सी ओ और एफ है। तो अब सी ओ एफ है, तो इस वाली लाइन को या तो आधा ले लीजिए या इस वाली लाइन को आधा ले लीजिए। तो हम इस टाइप से कुछ इस प्रकार ले लेते हैं इसको, ठीक है। और अब इसको मेज़र करते हैं, तो देखो लाइन जो हमारी मिलती है, ठीक है, तो ये सी ओ और ये एफ वाली लाइन है। तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम बता सकते हैं ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी लिख देंगे 90 डिग्री। उसके बाद हमें थर्ड दिया है एफ ओ बी, ये एफ ओ और बी, तो इस पे तो आप चांदा इसी प्रकार रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इस पे तो, ठीक है। ये इस टाइप से आधार लाइन मिलाइए, ये ऑटोमेटिक मिल जाएगी आपके। 0 से 10, 20, 30, 40 और 50। 40 और 50 के बीच में मतलब 45 डिग्री आने वाला है आपके। कितना हो जाएगा ये, 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे हम थर्ड वाले को 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बी ओ डी देखना है, एंगल कौन सा देखना है, एंगल बी ओ डी। तो अब हम प्रोटेक्टर को मतलब चांदे को उससे घुमा के रख देंगे यहाँ पे, और बेस लाइन मिलाएंगे, ठीक है। ये हमने बेस लाइन को मिला लिया है। अब हम देखते हैं तो ये कितने डिग्री का एंगल बनता है हमारे। तो यहाँ से अगर हम देखें 0, 10, 20, 30, 40 और 50, 40 और 50 के बीच में अगेन 45 डिग्री बन रहा है। तो ये हो जाएगा आपके 45 डिग्री, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 45 डिग्री। उसके बाद ये 90 है, तो ये भी आपके कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके 90 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर गाइस? तो आपको इस प्रकार से एंगल की मेज़रमेंट लेनी है और आपको एंगल लिखने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पहले पेज नंबर 55 का सॉल्यूशन का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए यहाँ से, और उसके बाद ये, और उसके बाद ये यहाँ पे जो है ये कितनी सेंटीमीटर थी, 7.2 सेंटीमीटर। तो 7.2 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा ये। उसके बाद पेज नंबर 56 का सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये, और उसके बाद ये, और उसके बाद ये। क्लियर गाइस? मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।